पूज्यदेव बीना से श्रीमती पुष्पलता जैन। महाराज श्री आचार्य श्री ने कहा कि संघर्षपूर्ण जीवन का उपसंहार सुखद होता है, तो क्या जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है? हमें स्वयं से परिस्थितियों से हमेशा संघर्ष ही करते रहना होगा। जीवन में संघर्ष कम हो, क्या इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए तथा क्या करें कि संघर्ष कम से कम हो? क्या जीवन संघर्ष का ही नाम है? संघर्षों से जूझना ही हमारी नीति है। जीवन में संघर्ष कम हो उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। यही तीन बात पूछी ना। देखिए बात सही है, जीवन संघर्ष का नाम नहीं है, पर जीवन में संघर्ष है, हर व्यक्ति के जीवन में आता है। संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, संघर्षों का सामना करना चाहिए। जो संघर्षों का सामना करते हैं वे ही अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं। जो जितना संघर्ष करता है वो उतना समर्थ होता है। नदी अपने उद्गम से निकलती है, सागर तक की यात्रा करती है, उसको अनेक प्रकार के संघर्ष और चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन अरुख वो अपनी गति में बढ़ते रहती है, सागर तक पहुंच जाती है। जीवन में संघर्ष हो वही कोई ज़रूरी नहीं, पर संघर्ष हो तो उसके आगे हथियार न डालें, उसका सामना करें, क्योंकि उसी संघर्ष या समस्या में ही उसका समाधान है। इसलिए संघर्षों से घबराए नहीं, सहर्ष स्वीकार करें, उसका सामना करें। आप देखेंगे जिसे अभी तक हम संघर्ष के रूप में देखते थे वही हमारे हर्ष का आधार बन रहा है। तो जब कभी भी संघर्ष आए उसे स्वीकार करना चाहिए। आपने पूछा है क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं कि हमारे जीवन में संघर्ष हो ही नहीं? ये जीवन के साथ है नहीं। जिस मनुष्य के जीवन में संघर्ष और चुनौतियाँ नहीं होती वो कभी मजबूत नहीं होता। एक ने एक अनार का बाग लगाया, बहुत सारे पेड़ लगाए थे, उसका बेटा हार्वर्ड से पढ़ कर आया, वो बगीचे में देखा कि छोटे छोटे पौधे पेड़ थे, उनमें से कुछ की डालियाँ नीचे आ रही थी। उसने माली से कहा कि भैया ये देखो ये पेड़ गिर जाएंगे, इनको थोड़ा सपोर्ट लगा दो। माली ने कहा नहीं नहीं गिरेंगे। बोले मैं कह रहा हूँ देखो ये पेड़ गिर जाएंगे, इसमें सपोर्ट लगा दो। उसने पेड़ के लिए सपोर्ट लगा दिया, उसकी चेहरे पर माली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने पूछा क्यों तुम हंस क्यों रहे? बोले कुछ नहीं, आपने जो कहा मैंने कर दिया। वो तो कर दिया पर तुम्हारे हंसने का राज क्या है? बोले कुछ नहीं, आप कहते हो कि इसको सपोर्ट नहीं दोगे तो पेड़ गिर जाएंगे, तो क्या? बोले सपोर्ट नहीं देने से एकाध पेड़ गिरेंगे और सपोर्ट देंगे तो सब पेड़ गिर जाएंगे। सपोर्ट नहीं देने से एकाध पेड़ गिरेंगे और सपोर्ट दे देंगे तो सब पेड़ गिर जाएंगे। बोले क्या गणित है ये? बोले देखिए अगर पेड़ों को हम खुद सपोर्ट देंगे तो पेड़ हवा पानी से जूझने में समर्थ नहीं होगा, और सपोर्ट हम नहीं देंगे तो आंधी पानी से खुद जूझेगा, अपने आप मजबूत बनेगा और खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ जीवन वृक्ष को टिकाए रखना चाहते हो तो संघर्षों का सामना करो, घबराओ मत। जितना संघर्ष और चुनौती आएगी उतना मजबूत बनोगे। तुम्हारे जीवन में झंझावात आएंगे, आने दो, उसको फेस करो और उसके अनुरूप देखो, देखो जीवन में कितना रस प्रकट होता है, कैसा आनंद आता है, वो जीवन को एक अलग दिशा और दृष्टि देगा।